बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मौजूद नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्पायर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ आपके साथ। से पहले भी मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शेयर करता रहा हूँ, जिसके अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ भी हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। इसी तरह से आज भी आपके लिए मैं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, और ये प्रोजेक्ट सदर के अंदर है। बेसिकली ये एक कमर्शियल प्लाजा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो फॉर सेल है। इस पर बात करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, साथ ही ये जो बेल आइकन नज़र आ रहा है इसको आप दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता है सदर रावलपिंडी का एक ऐसा इलाका है कि जो इस वक्त कमर्शियल हब बन चुका है, और ये एक ऐसा मरकज बन चुका है जहाँ पे पूरे जो हमारे रीजन आगे नॉर्थ आ गया, कश्मीर आ गया, ऐसे जो नॉर्दर्न एरियाज आ गए पिशावर वाली साइड से, ये जितने भी लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, उसके लिए मोस्ट सदर के इंतखाब करते हैं, यहाँ पे आगे शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो सदर इस वाले से एक तो तजारती हब बन चुका है। तो सदर के अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज इस वक्त बहुत बढ़ चुकी हैं, और सदर में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो लॉन्ग टर्म आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट दे सकती है। तो सदर में इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कमर्शियल प्लाजा, ये माल रोड के ऊपर वाकई है। माल रोड पे आपने स्टेट लाइफ की बिल्डिंग देखी होगी, उसके बिल्कुल अपोजिट ये प्लाजा है, फ्रेस्को बेकरी वाला है। ये आप बैक साइड के ऊपर जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। तो ये जो प्लाजा है ये 21 मरले के ऊपर बना हुआ है, 3 स्टोरीज हैं इसकी, और इसके अंदर अगर हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देखें तो वहाँ पे शॉप्स बनी है, 10 शॉप्स हैं जो सारी रेंट आउट हैं। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर होटल बना हुआ है, जिसके अंदर 20 रूम है, यानी 20 कमरों का होटल है, और हर जो रूम है वो अटैच बाथ के साथ है। आपको अभी मैं ये जो सेकंड फ्लोर के ऊपर होटल का दिखा रहा हूँ, आप इसके जो व्यू देख सकते हैं, एक साइड से ये लॉबी एक साइड की देख रहे हैं, ऐसे ये दूसरी साइड की लॉबी भी आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा नीट एंड क्लीन होटल एक बना हुआ है इसके ऊपर। इसी तरह से आइए चलते हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर। थर्ड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे 2 बड़े हॉल हैं जो ऑलरेडी बड़े जो मल्टीनेशनल स्टोर्स हैं उनको रेंट आउट किए हुए हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग ऑलरेडी रेंट आउट पे है, आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस बिल्डिंग के वाले से इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरा इसके अंदर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स जान सकते हैं कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, क्या इसका रेंट है, क्या इस प्राइसिंग डिमांड वगैरह है। और आप जिस वक्त कॉन्टेक्ट करेंगे, फाइनल हम डील आपकी डायरेक्ट जो ऑनर्स हैं उनके साथ करवाएंगे, और हम जस्ट आपसे अपने सर्विस चार्जेस जो एक नॉर्मल जो मार्केट के रेट्स हैं उसके हिसाब से हम आपसे सर्विस चार्जेस ले लेंगे, लेकिन आपको हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवा देंगे ऑनर्स से। तो आप इसके बारे से जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।